कुछ ओके, तो नहीं आज है। हम सिखाने वाले आईआईटी बॉम्बे सीएससी स्टूडेंट्स को कि एक्चुअली वैक्यूम चैम्बर कैसे काम करता है, क्योंकि आईआईटी में भी नहीं सिखा इन्होंने तो आईआईटी रोस्टेड। सो वैक्यूम नहीं, क्योंकि चैम्बर हमने कंप्यूटर साइंस पढ़ा है इसलिए। ठीक है, कोई बात नहीं, हम इग्नोर मार रहे हैं। वैक्यूम चैम्बर में बेसिकली हम सीखने वाले हैं कि जब हम पी एक्सटर्नल टेंस टू जीरो वाली कंडीशन, पी एक्सटर्नल टेंस टू जीरो का ही एक्चुअली हम यहाँ पर लाइव प्रूफ देखने वाले हैं, और इस कंडीशन को हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, पी एक्सटर्नल एक्चुअली टेंस टू जीरो, क्या इज इक्वल टू जीरो ले लेते हैं जब भी हमारे पास फ्री एक्सपेंशन होता है। तो बेसिकली फ्री एक्सपेंशन जो थर्मो में हम यूज़ करते हैं, और चाहे केमिस्ट्री का थर्मो चाहे फिजिक्स का थर्मो, दोनों में फ्री एक्सपेंशन आता है। तो फ्री एक्सपेंशन बेसिकली पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो है। हम यहाँ पर पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो अचीव नहीं करने वाले, क्योंकि डर लगने लगेगा कि कुछ हो ना जाए तो बेसिकली हम पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो नहीं अचीव करने वाले, बट बस ये दिखाने वाले कि जैसे ऐसे वैक्यूम वाली कंडीशन पी एक्सटर्नल टेंस टू जीरो को हम अगर पास में जाते हैं, ये थोड़ा दिखाना है, यहाँ पर जो प्रेशर गेज है वो दिखाएगा कि प्रेशर लगातार रिड्यूस हो रहा है, उल्टा कांटा उल्टा चलेगा, तो प्रेशर लगातार रिड्यूस हो रहा होगा, और जब प्रेशर रिड्यूस होता है अंदर से एयर को सक किया जाता सक है, क्या बट सिर्फ करके एयर नहीं होती, एयर के साथ ठीक साथ इनर्ट गैसेस भी होती हैं, कुछ रेडियोएक्टिव पार्टिकल्स भी होते हैं, एंड सबसे बड़ी बात मॉइस्चर भी होता है जो कि एक्चुअली प्रेशर को यहाँ पर बनाने के काम आता है। तो बेसिकली एयर के अंदर हम यूजुअली सोच रहे होते हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन, और अगर कुछ और भी सोच रहे होते हैं तो उसमें थोड़ा इनर्ट गैसेज होती हैं, यही सोचते हैं जो बचपन से याद करवाया गया, 1% CO2 होता है, आर्गन होता है, तो बट एक्चुअली इसके अंदर मॉइस्चर भी होता है। हम सबसे पहले इसका थोड़ा बेसिक फंक्शन समझ लेते हैं। तो यहाँ पर तुम देख रहे हो कि मोटर लगा हुआ है जो एक्चुअली क्या करने वाला है, एयर को बाहर निकालने वाला है, और हमें धीमे धीमे स्विच को जो है वो ओपन करना पड़ेगा सो दैट के एयर सक करना शुरू करिए, और एक साइड से ऑलरेडी ये क्लोज्ड है तो दूसरे साइड से बस सिर्फ और सिर्फ स्विच को ऑन ऑफ करना है हमें। और अंदर में जो तुम बैलून्स रखे हुए देख रहे हो अभी, उनके ऊपर ना एयर का प्रेशर है, तो जैसे जैसे एयर और साथ में जो मॉइस्चर वगैरह को जो बाहर निकालेंगे तो प्रेशर उनके सरफेस के ऊपर से, यानी कि एटमोसफेयर का प्रेशर उनके ऊपर कम हो रहा होगा, तो वो प्रेशर जैसे जैसे कम होगा जो अंदर की गैस होगी बैलून के अंदर की वो वो बढ़ पुश जाए, करेगी, हाँ डिफरेंस बढ़ जाएगा, तो फिर क्या दिखाई देगा, एक्सपेंड एक्सपेंशन ही दिखाई देगा अंदर की गैस जो है वो हाँ, कोई बात एक्सपेंशन नहीं, होगा। दोबारा आईडी बॉम्बे सीएसई, सब छुप जाता है, सब छुप जाता है, सब छुप जाता है, कोई टेंशन नहीं होती, अभी सब 5 साल में सब भूल भाल गए हैं तो कोई टेंशन नहीं होती, बट दिमाग ला के निकाल भी लेते हैं ये भी बता दूं मैं, थोड़ा समय दिया जाएगा तो अभी कैमरे के सामने थोड़ा अपना सोचते नहीं है, लेकिन वैसे अगर थोड़ा समय छोड़ा जाएगा तो सोच करके बता भी नहीं कि अच्छा हाँ एग्जैक्टली क्या हो रहा है, अंदर में गैस है और वो डेल्टा एक्सपेंड पी करना बढ़ चाहिए। रहा हाँ डेल्टा पी बढ़ रहा है भाई, कोडिंग यू नो, तो थोड़ा कोड करके बताया गया। खैर तो हम लाइव देखते हैं, आई होप दैट कि दिख जाना चाहिए अच्छे से, वैसे अपने पास प्रीवियस क्लिप्स भी हैं केशव राइट, तुमने सर। शूट किया हुआ ना ये वाला पहले हाँ भी, हाँ हाँ तो इसलिए एडिट कर देना वैसे करके, ठीक है, ठीक अगर अभी ख़राब हो गया ना एक्सपेरिमेंट तो पुराने वाला जोड़ देना इसी में, ठीक है तो बट क्योंकि हमने प्लान ये था कि रितिका के साथ ही ये वाला करना है कि नहीं, पहले भी एक बार शूट किया था हमने बट उसमें मज़ा नहीं हाँ आता, तो सोचा कि इस बार हाँ अच्छा करते हैं, तो स्टार्ट करें, बिल्कुल, तो शुभारंभ आपके हाथों से करवाते हैं, आप वहाँ ओके पर ऑन करेंगे, वेरी और द स्विच, हाँ बस ये स्विच है देखिए, अच्छा हाँ ओके थोड़ा प्यार से ठीक है, और केशव आप देखोगे यहाँ से, रितिका तुमको ही देखना है इसे, तो तुम थोड़ा आगे आगे जाऊँ, से, हाँ मतलब देख लेना उधर उधर रहना, पहले ऑन कर लो इसे रिकॉइल कर रहा है। ओके हाँ तो अभी जस्ट दिख रहा होगा यहाँ पे, तुम फोकस करना इस पर बैलून पर, बैलून का एक्सपेंशन कैच करना तुम, ठीक है हमारे जा रहे सामने से, फोकस करो उसी पर, रिका तुम देख रहे हो वो प्रेशर कम हो रहा है ना इसका, कांटे पे ध्यान देना बस, ओके तो हम वो करेंगे ना स्विच, इस आवाज़ को कैच करना, रितिका तुम करो धीमे धीमे स्विच को, दूर से लो दूर से लो, इसको देखना पैटर्न देख रहे हैं, मूव कर रहे हैं, प्रेशर कम हो रहा है, करो और थोड़ा फास्ट करो, तेज से जाएगी, बैलून अंदर में दिख रहा है एक्सपेंड करते हुए ना, तुम फोकस रखना, बीच बीच में हमारा भी ले लेना, एक्सपेंड करो बट फटने वाला है, देख लेना फटेगा बैलून, कैच कर लेना मिस मत करना, और थोड़ा सा हाँ, अरे 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 छोड़ो छोड़ो ना, देखो
एक बार दोबारा करो, एक बार दोबारा करो, एक्सपेंड करने दो उसे, एक्सपेंड करने दो। ओ भाई साहब ये जाने वाला है, हाँ जाने देना। मेंटेन करना हल्का सा, हाँ नहीं नहीं करो ना, वैक्यूम बनाओ, वैक्यूम बनाओ, बन रहा है ना, ओके गुड 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 गुड, आ रहा है आ रहा है। क्या नहीं 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 कुछ मत करो, मतलब वो इतना बहुत एग्जैक्टली पाइप जो है इतना स्ट्रांगली फिट नहीं किया हुआ है। कहाँ जा रहा है जो ऐसा कर रहा है, छोड़ देंगे तो कैच कर लेगा वो लगता है। जा रहा नीचे काट, हाँ हाँ जा रहा है। फाइनली जो तुम चाहते थे कैसा वही हो गया ना। किसी को कोई जो खुशी के मारे एकदम फाइनली वही देखना था, बट देखो जितने भी देखने वाले हैं उसमें मत खो जाना। पहले तो इस पूरे प्रोसेस में तुमने एंट्रोपी के बारे में कुछ दिखा, तुम्हारा जो सिस्टम था ना वो एक्चुअली बलून था, राइट? ये जो बलून था वो तुम्हारा सिस्टम, तो इस सिस्टम के अंदर जो गैस थी वो एक्सपैंड कर रही थी, तो सिस्टम का जो एंट्रोपी चेंज है ना वो पॉजिटिव था। ये सबसे पहली बात, मतलब जब हम पी एक्सटर्नल टेंस टू पी एक्सटर्नल स्क्वायर टू जीरो करते हैं ना तो इसमें क्या हो जाता है, वर्क डन सीधे सीधे जीरो हो जाता है, क्योंकि आपके पास कोई भी कोई मैकेनिकल लिंक नहीं है, राइट? तो पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो से वर्क डन जीरो हो जाता है। और अगर ये प्रोसेस जो है वो रिवर्सिबल एडियाबेटिक, अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस रहा तो क्यू की वैल्यू ऑलरेडी जीरो होती है, और जो फ्री एक्सपेंशन है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है, क्योंकि तुम देख रहे थे कि प्रोसेस में तुमको ना चेंज होते हुए दिखाई दे रहा था। अगर वो रिवर्सल प्रोसेस होता तो रिवर्सल प्रोसेस में पी एक्सटर्नल और पी इंटरनल हमेशा क्या होता है, ऑलमोस्ट क्लोज होते हैं, तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, जब यहाँ पर साफ दिख रहा था कि कोई इक्विलिब्रियम नहीं था, राइट? जो कंटेनर के वॉल्स है वो ऑलरेडी तुमको दिखाई दे रहे थे, बलून के वॉल्स क्या एक्सपैंड करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो क्यू इक्वल टू जीरो और डब्ल्यू इक्वल टू जीरो से तुम्हें क्या मिलता है, डेल्टा यू जीरो मिल जाता है फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। ये तो याद ही होगा, ये तो बोले नहीं होगी तुम, राइट? यस, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, यस। इससे डेल्टा यू की वैल्यू जीरो, तो सारी चीज़ ना जब भी हम फ्री एक्सपेंशन की बातचीत करते हैं तो इसमें ऑलमोस्ट सारी क्वांटिटी जीरो होते हैं। और अगर आइडियल गैस तुमने लिया है तो यहाँ से डेल्टा यू इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी कर सकते हो, डेल्टा यू इक्वल टू जीरो इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी, और एन सी वी एम डेल्टा टी से तुम क्या निकाल सकते हो, डेल्टा टी इक्वल टू जीरो, और इस डेल्टा टी इक्वल टू जीरो से आप डेल्टा एच को भी जीरो कर लोगे, क्योंकि ये एन सी पी एम डेल्टा टी होता है किसी आइडियल गैस के लिए, नॉट फॉर रियल गैस, रियल गैस के लिए नहीं होता ये, ओके? तो ये सब चीज़ें जेई में पूछी भी है, रियल गैस के लिए आइडियल गैस के लिए किसके लिए फॉर्मूला यूज़ होता है तो वो पता होना ज़रूरी है। तो डेल्टा यू डेल्टा एच क्यू डब्ल्यू सब जीरो होते हैं, बट एंट्रोपी चेंज जो सिस्टम का है वो जीरो नहीं होता, वो पॉजिटिव होता है, और वो दिख रहा था गैस एक्सपेंड कर रही थी, तो गैस का एक्सपेंशन जो है वो साफ साफ बता रहा है कि एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव है, चूंकि प्रोसेस इरिवर्सिबल है तो डेल्टा एच यूनिवर्स भी पॉजिटिव है, ओके? एंड बाकी गिब्स एनर्जी के बारे में बता ही सकते हो, डेल्टा जी लेस देन जीरो, ओके? तो ये मोटी मोटी बातें थी, और ये प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन था इस बात का कि पी एक्सटर्नल इक्वल टू जीरो होगा, या हमारे पास अगर फ्री एक्सपेंशन होगा तो वो कैसा दिखाई देगा, उसे विजुलाइज कर सकते हैं इस रूप में। बाकी आज के लेसन यही समाप्त करते हैं, कुछ आप बोल दीजिए कुछ अब मजा आया हाँ अच्छा था ऐसे हमने लास्ट टाइम वो किया नहीं था, सो फोड़ा नहीं था उसे, लास्ट टाइम उसे फोड़ा नहीं था, वैसे फोड़ने का पर्पस तो था नहीं, बस वो एक पार्ट था कि ठीक है यार चलो कुछ कर रहे हैं तो कुछ मजा आ जाए बस, है ना? कुछ और शब्द, कुछ प्यारे शब्द नहीं, ठीक है, इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके।